तुम्हें ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? लड़कियों के पास छुगाड़ वाले आइडियाज की कमी नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो ना तुम आदमियों की प्रॉब्लम पर बनाना। आदमियों को किस बात की प्रॉब्लम होती है? वही प्रॉब्लम जो आदमियों को सालों से हो रही है। और वो क्या है? औरतें। विधान? महाराज काका। हाँ सुरेश बाबा। महाराज काका आज समोसे खाने का मन हो रहा है, प्लीज बनाइए ना। हाँ हाँ सुरेश बाबा अवश्य, मैं अभी बनाता हूँ जी। काका भैया अकेले अकेले समोसे नहीं खाएंगे, हम भी खाएंगे जी। क्या बात है, आज समोसे खाने का मन कर रहा है, मूड भी अच्छा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों शूट करो, मैं देखूंगा। हाँ हम बस वो करने वाले थे, वो बैटरी चार्ज पे लगाई है तो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। चीजू सच कोई वजह नहीं खुशी की? कल गायत्री आंटी घर आ रही हैं। तुझे याद है गायत्री देवी जी जो हमारे घर पर रहने आई थी? वो उत्तरा देवी की बड़ी बहन है और सुयश की असली माँ। तो विधान को क्यों नहीं बताया? वो सबको बता देगा, पहले मैं उनसे खुद मिलना चाहता हूँ और फिर बाकी सबको बताना चाहता हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना जब वो वापस आ जाएंगी। तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने कैसे डैड को हॉस्पिटल पहुंचाया था। बस वही एक आखिरी याद थी उनके साथ। कभी अगर किसी एक पर ही भरोसा करना हो तो फाल्गुनी पर करना, कभी अगर किसी एक को ही चुनना हो तो फाल्गुनी को ही चुनना। बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए उनसे, लेकिन उसके लिए कल तक वेट करना पड़ेगा। देख रही हो क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास? सब लोग उत्तरा देवी की जय जयकार कर रहे हैं। अब पता चला तुमने किससे बदतमीजी की थी? बदतमीजी शुरू किसने करी थी आंटी टेप? लेजर कोई उधार न रखे, उस दिन जो करया था उसका जवाब मैंने तने उसी दिन दे दिया था। आज के काम के लिए यो लो थारा जवाब। थैंक यू। थैंक यू। चलो अच्छा इतनी जल्दी तुमने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए, मेरी जय जयकार भी कर ली। जय जयकार इंसान की ना होवे, अच्छे काम की होवे से एंटी टैप। आज गांव का भड़ा करण आई से तो लोग जय जयकार तो करेंगे ही ना, और मैं भी करूंगी। लेकिन कल 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 किसने देखा है छोकरी? लेजर, लेजर नाम से मारा। तुम्हारा नाम लेजर हो, पेजर हो या मेजर हो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताऊं, तुम्हारा ये जो चेहरा है ना मुझे किसी पुराने दुश्मन की याद दिलाता है, और इतनी वजह काफी है मेरे लिए तुम्हें बर्बाद करने के लिए। लेकिन नहीं, उत्तरा देवी हमेशा बराबर वालों के साथ ही मुकाबला करती है, इसलिए जा पहले कुछ बन जाओ, और अगर कुछ बन गई ना तब मेरे सामने आओ। वादा करती हूं मैं ही तुम्हें बर्बाद करूंगी, और ये जो तुम गांव वालों के दम पर इतना उछल रही हो ना बंद कर दो, ये गांव वाले बिन पेंदे के लोटे की तरह है, जहां रोटी पानी दिखाई दिया वहां लुढ़क जाते हैं, और भगवान की दया से कुत्तों के सामने डालने के लिए मेरे पास कई टुकड़े हैं। कुत्ते और इंसान में एक फर्क हो वैसे एंटी टैप, कुत्ते को बस रोटी पानी से चल जावे, लेकिन इंसान ने उसने इज्जत के बिना ना चाले। इज्जत नाम की चिड़िया इस गांव के किसी पेड़ पर बैठी नहीं आज तक। देश आजाद हो गया लेकिन ये अंबुआ के लोग बंधुआ ही रहे हैं, और बंधुआ ही रहेंगे।
गांव वालों, मैं एक बार फिर कहती हूँ, कल से रोज पानी से भरा टैंकर यहाँ आएगा बराबर 10 बजे। मैं आशा करती हूँ आज के बाद आपको पानी की समस्या कभी नहीं होगी। उत्तरा देवी की जय। 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 उत्तरा देवी की ध्यान रहे शो। उत्तरा देवी की जय। कल के हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी चैनल पे मेरे नाम की जय जयकार होनी चाहिए। मैडम जी अब तो आप देवी हो गई। उत्तरा देवी की जय। उत्तरा देवी की जय। उत्तरा देवी की जय। बलवान भाई अब तो ऊपर से भी ऑर्डर आ गया है, अब आपको खुद पानी लेकर आना पड़ेगा हर रोज। गांव में एक पानी वाले की ही कमी थी। घड़ी बड्डी चाल चल गई उत्तरा देवी। चाल मारे को तो ये लगा कि वो हमारी मदद करने आई थी। उत्तरा देवी जैसे लोग बिना मतलब के कोई काम ना करे पूंजा जी, कुछ तो गड़बड़ जरूर से। कान खुले और आंखें चिकनी रखनी पड़ेंगी, सावधान रहना पड़ेगा। सावधान? सावधान किस लिए? कुछ ना, गांव वाले कितने खुश से, मारे को वैम डाल के इनकी खुशी ना खराब करनी। जा जाके गुड़ बांट दे सबको। जी काका। पानी की समस्या को हल करके उत्तरा देवी सबकी नजरों में देवी बन गई है। अगर अब तूने कुछ भी उसके खिलाफ बोला तो गांव वाले थारी बात कतई नहीं मानेंगे। हेलो बिट्टू, क्या हुआ? जी जी माँ, कल गायत्री जी वापस आ रही हैं। क्या सच्ची? तो उत्तरा देवी क्या कह रही है? उत्तरा देवी को नहीं पता अभी इस बारे में। चीजू ने अब तक उन्हें नहीं बताया। चीजू पहले खुद उनसे मिलेंगे और उसके बाद उन्हें घर लेकर आएंगे। ये दिन की दूसरी अच्छी खबर है बिट्टू। एक बार गायत्री जी वापस आ जाए ना तो उत्तरा देवी के सारे झूठ सामने आ जाएंगे। गायत्री जी को रावत किला में पापा और सुयश की जिंदगी में वापस से अपनी जगह मिल जाएगी। नियति। जी जी मैं फोन रखती हूँ, विधान बुला रहा है। हाँ। वाह लड्डू गोपाल, लगता है लगाम आपने अपने हाथों में ले ली। गांव वालों को पानी मिलने वाला है, सुयश को उनकी माँ मिलने वाली है। थारी बात तो निराली से। आप गुड ना सो, वेरी गुड सो। ए पुंजा, ए पुंजा, बाहर निकल, ए बाहर निकल, ए पुंजा, खोल दरवाजा। लेजर कट है। वो तो यहां पर नहीं है ना, ढूंढो उसने।